जी नमस्कार सर जी, नमस्कार मंजर भैया, कैसे हैं जी? बढ़िया बढ़िया सर, आप सुनाएं। बस बढ़िया सर जी, और आप बताओ कैसा उधर का पोजीशन है, किस तरह का हालात है? सर सुबह तो आज बारिश पड़ रही थी, लेकिन अब मौसम साफ है। अच्छा, बाकी ताजी रहा वाला आज कुछ कम है पहले से। 11-12 गाड़ी ताजी है और 2-3 गाड़ी का बैलेंस है, नीचे को मिला के 14-15 गाड़ी है। अच्छा, बाकी पोजीशन सेम है। अच्छा, तो सर अराइवल पहले के मुकाबले ज्यादा मार्केट में देखने को मिल रहा है या फिर सेम ही अराइवल है सर? नहीं, पोजीशन मतलब थोड़ा बहुत ही फर्क है, लेकिन कम है पहले से, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ कम है अंतर पहले, मतलब कुछ लोडिंग कम है पहले से। अच्छा, तो सर जी इस समय अगर बात करें मार्केट के अंदर किस तरह का क्वालिटी आ रहा है, और जैसा कि आप बता रहे हैं दिल्ली में आज भी बारिश हुआ है और पहले भी एक दो दिन पहले भी बारिश हुआ था, उससे पहले भी बारिश हुआ है और कंटिन्यू बारिश देखने को मिल रहा है सर, और पीछे भी कई राज्यों में बारिश हुआ है, तो बारिश को देखते हुए क्वालिटी इस समय मंडी के अंदर किस तरह का आ रहा है? सर क्वालिटी तो अधिकतर वैसी आ रही है इस टाइम, जो 60-70% माल है वो डैमेज ही है। अच्छा, 20-30% माल ही है जो आ रहे हैं, बाकी अधिकतर माल जो हल्के माल ज्यादा आ रहे हैं, जिसमें दागी बन की शिकायत ज्यादा आ रही है। अच्छा, तो सर पहले जो है क्वालिटी में कुछ सुधार देखने को मिला था या फिर दोबारा से गड़बड़ाया है क्वालिटी? सर 19-20 से अंतर है अभी, माल ने बताया ना आपको, जैसे 70% माल दागी आ रहे हैं आज भी। अच्छा, ये है कि पहले दागी ज्यादा आ रहा था, अब कुछ कम आ रहा है, लेकिन दागी अभी भी है। अच्छा, मतलब जो समस्या है वो दागी की अभी बनी हुई है। अच्छा अच्छा, तो सर जी अगर बात करें रेटों का, तो रेटों में क्या सुधार देखने को मिला है, क्या कुछ रेट खुला है? जैसे अपना महाराष्ट्र में नासिक बेल्ट और पुणे बेल्ट का इस तरफ का प्याज क्या कुछ भाव खुला है आज? सर माल बढ़िया हो, कहीं के भी हो, चाहे एमपी हो, नासिक हो, पुणे हो, वो बिक रहे हैं 14 से लेकर 16 रुपए, 1,17,000 रुपए। अच्छा, और जो वीवीआईपी वाले माल आ रहे सर? सर माल बढ़िया कहीं के भी हो, चाहे एमपी हो, नासिक हो, पुणे हो, जो बढ़िया माल है 14 से लेकर 16 रुपए, 1,17,000 रुपए। बाकी जो रनिंग बाजार है मार्केट के, वो 11 से लेकर 13 रुपए। जो अपना एवरेज जनरल जो क्वालिटी है, तो एवरेज जनरल क्वालिटी माल आ रहे हैं वो 11 से लेकर 13 रुपए। अच्छा, और उससे लो में सर जी? हाँ जी, उससे लो क्वालिटी जो अपना मार्केट में आ रहा सर, जो डैमेज बाकी माल चल रहा है, उसके भाव ही नहीं है, वो 9 रुपए, 10 रुपए, 8 रुपए जैसी क्वालिटी वैसे रेट है। अच्छा, तो सर जी किसान भाइयों को रेट कब तक मिलेगा इस रेट पे? तो उनको सर मार्जिन नहीं आएगा शायद। सर ये जो माल है ना, अभी ये लड़ाई लड़ने वाले माल नहीं है कि इसको रोक के या भाव बाजार भाव से बेचा जाए। जब दागी की समस्या बनी होती है, फिर तो बाजार भाव बेचना पड़ता है, मजबूरी हमारी भी और किसानों की भी है। जी बिल्कुल, अगर ये दागी ना होती तो इस भाव में वो बेचते क्यों? जी जी, तो उनकी भी मजबूरी है, वो समझ रहे हैं कि माल खराब हो रहे हैं और इन मालों को रोकने की कोई व्यवस्था है नहीं, रोक भी पाएंगे नहीं, इनको बेचना तो पड़ेगा, चाहे नुकसान हो नफा हो जो भी हो, बेचना तो पड़ेगा इनको। अच्छा, और वही समस्या हमारी है, इन मालों को हम भी ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, खींच सकते नहीं, बेचना पड़ेगा आपको। जी जी, तो सर जी वही अगर बात करें जो अपना राजस्थान से जो प्याज आता है सर, राजस्थान वालों का किस तरह का इस समय क्वालिटी आ रहा है? सर राजस्थान में जो साइज की दिक्कत है, साइज मीडियम आ रहा है, बाकी माल वहाँ के बहुत बढ़िया है। जो इनके मीडियम मुक्कल माल है, पोल्टा माल है, वो 8 से लेकर 10 रुपए, जो बढ़िया माल है वो 10 से लेकर 14 रुपए किलो। अच्छा, 10 से लेकर के 14 रुपए किलो।